आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सत्तर के दशक में एक फिल्म आई थी आनंद। सब कुछ बेजोड़ था इसमें। राजेश खन्ना की कमाल की एक्टिंग, कहानी से लेकर डायलॉग तो इस फिल्म के ऐसे हैं कि जिंदगी के फलसफे हैं। राजेश खन्ना एक जगह इसमें कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। तो जिंदगी की मियाद को लेकर अक्सर इस तरह की बातें की जाती हैं कि ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिखी होंगी खाते में उतनी चलेंगी। लेकिन विज्ञान और खोजों के आधार पर यह बात भी पता चली है कि अगर अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाई जाए तो सांसों का कोटा बढ़ाया जा सकता है, यानी ज्यादा भी जिया जा सकता है। इस समय एवरेज ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 साल है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर लोग 90-100 साल से भी ज्यादा जीते। तो क्या है इन लोगों की लंबी उम्र का राज और ऐसे इलाकों को क्यों कहा जाता है ब्लू जोन्स? आज इसी पर करेंगे बात ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट की अप्रैल 2022 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। साल 1800 से लेकर 2017 तक आते आते ये 30 से 73 साल हो चुकी है, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। लेकिन इसी रिपोर्ट में और ऐसी कई और रिपोर्ट्स में कुछ इलाके ऐसे भी बताए गए हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है। भारत भी इनमें से एक है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी साल 2021 में पैदा हुए बच्चे के लिए 69 साल 4 महीने और ये ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल 8 महीने से भी कम। लेकिन दुनिया की कई ऐसी और भी जगह हैं जहां पर लोग ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी कई साल ज़्यादा जीते हैं। 90 से लेकर 100 साल तक इनकी उम्र होती है। इन इलाकों को नाम दिया गया है ब्लू जोन्स। अमेरिका के एक जाने माने लेखक और रिसर्चर हैं डैन ब्यूटनर। उन्होंने इन इलाकों और यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को लेकर ब्लू जोन्स के नाम से किताब भी लिखी है। तो ये इलाके हैं कौन से और क्यों इनका नाम ब्लू जोन्स पड़ा, इस बारे में साइंस से जुड़ी खबरें कवर करने वाली आज तक .in में असिस्टेंट एडिटर पारुल चंद्रा से सुनिए। असल में लेखक डैन ब्यूटनर जब दुनिया के ऐसे इलाकों पर स्टडी कर रहे थे, ब्लू जोन्स पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने वर्ल्ड के मैप पर उन इलाकों को सर्कल कर दिया। सर्किल मतलब उनके उन इलाकों के चारों तरफ नीले घेरे बना दिए, तो वो नीले रंग के बने घेरे ही वो ब्लू जोन्स बन गए। ब्यूटनर ने अपनी जो बुक लिखी है द ब्लू जोन्स, उसमें 5 इलाकों को रखा है। दुनिया की 5 जगह ऐसी हैं जो ये ब्लू जोन्स में आती हैं। इसमें ग्रीस का इकारिया है, इटली में ओलिगेस्ट्रा सार्डिनिया, जापान का ओकिनावा और कोस्टा रिका का निकोया प्रायद्वीप और कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा। ये 5 जगह ऐसी हैं जो ब्लू जोन्स कहलाती हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा जीते हैं। डैन ब्यूटनर ने इन ब्लू जोन्स को लेकर करीब 4 किताबें लिखी और सब बेस्ट सेलर। उनके यूट्यूब पर वीडियोज भी हैं जिनमें वो लंबी उम्र जीने के ब्लू जोन्स फॉर्मूले शेयर करते हैं। तो आखिर ऐसी कैसी जिंदगी जीते हैं ये ब्लू जोन्स के बाशिंदे की उनकी उम्र 1 सदी तक पहुंच जाती है, पारुल चंद्रा बताती है। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों का जो खान पान है वो भारतीय खान पान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अलग है। तो पहले बात करते हैं अगर उनके खान पान की, तो ख़ास बात है कि वो होल प्लांट फूड ही लेते हैं। 95% वो पौधों पर आधारित जो भोजन होता है वही लेते हैं, नॉन वेज कम लेते हैं। और इस खाने में सब्जियां, फलियां, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट अच्छे से होता है। इसके अलावा वो लोग उपवास भी करते हैं। आप इसे चाहे आप अपनी डाइट से जोड़ लीजिए या फिर आप अपने धर्म से जोड़ लीजिए, लेकिन उपवास ज़रूर करते हैं। और ख़ास बात, ओकिनावा के लोग जो हैं वो 80% रूल को फॉलो करते हैं। 80% रूल यानी कि जब उन्हें लगता है कि उनका पेट 80% भर गया है वो खाना तभी ख़त्म कर देते हैं, ये नहीं कि पूरा पेट भर लेते हैं 100% तक। तो 80% रूल वो फॉलो करते हैं और इस वजह से उनकी कैलोरीज भी कम होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं तो उन्हें जीवन के जो संघर्ष हैं उन्हें बांटने वाले लोग साथ होते हैं, उनके तनाव थोड़े कम होते हैं,
तो तनाव कम है तो जीवन तो बढ़ेगा ही। तो अगर आप भी 100 साल जीना चाहते हैं, शतायु होना चाहते हैं, तो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों जैसा खानपान और लाइफस्टाइल अपना लीजिए। वैसे आप जिंदगी आनंद के राजेश खन्ना के एक और फॉर्मूले पर जी सकते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कैसा लगा आपको आज का ये ज्ञान ध्यान, हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। अगर आपका कोई सुझाव है किसी सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान करना चाहिए, तो लिख भेजिए इसी ईमेल पते पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है, फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।